स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आप पालक को उबाल के ठंडा कर लें और पनीर को बारीक काट लेना है। और मसाले में प्याज, लहसुन, अदरक, हींग, काली मिर्च, लौंग, जीरा और मिर्च चाहिए। सबसे पहले आप ये पालक को मिक्सी में पीस लें और पनीर को कढ़ाई में फ्राई करना है। कढ़ाई में हींग डालें, प्याज और ये सारे मसाला पीस मिक्सी में पीसना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें पालक का पेस्ट डालना है। अब पालक फ्राई हो गया है, इसमें पिसा हुआ मसाला डालना है। इसमें एक चम्मच हल्दी डालना है। मसाला को अच्छे से भून लीजिए तेल छोड़ने का। अब हमारा ग्रेवी फ्राई हो चुका है, इसमें पानी ऐड कर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी कर दें ताकि वो सभी इस लॉकडाउन के टाइम घर पे ही पालक पनीर बना के उसका टेस्ट ले सकें। ग्रेवी को 5 मिनट तक उबाल के इसमें पनीर डाल दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दें। अब लास्ट में इसे पनीर से ग्रेट करके गार्निश कर दें।